गेट बंद कर। आप इधर आ जाओ भाई, वहां से पेन ले ले और एक छिरी नोकदार छुरी ले ले। पेन वहां है? कहां है पेन? नहीं ठीक रहे। हां भाई, इन्हों को जानता है? हाँ जाना नोकदार छुरी तो करीब आ जाओ भाई, करीब आ जाओ मेरे भाई, तू करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। हिना को भीष्म नहीं लाएगा? मैंने पूछा जो आवाज आ रही है आंखें इधर कर, हिना को भीष्म लाएगा? नहीं। अपने बारे में बता। इधर बाबा इधर बैठ जा आराम से, इसको इसको बना, मेरे को तो आग लगा इसका बना। ये क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या कन्वर्सेशन है? अच्छा एक बात बता, ये छुरी चुभ रही है? सुन इधर हिना, औरत है मर्द है? मुसलमान है हिंदू है? हिंदू। और हिना हिंदू है? हिना मुसलमान है। तो तूने हिंदू क्यों बोला? जब झूठ बोलेगा मैं मारूंगा थप्पड़। आंखें इधर से हटेगी, देख मेरी बात सुन, मेरी पहले बात सुन ले, आंखें हटेंगी तो थप्पड़। क्या बोला ये देख, इधर तकलीफ हो रही तो बता। क्या बोल? झूठ नहीं बोलूंगा। करीब आओ भाई, करीब आओ, करीब आवाज चाहिए। झूठ नहीं बोलूंगा। हिना औरत है, ये जब चुपेगी जब तू झूठ बोलेगा। हटाटे हटाटे कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आंखें नहीं हटाना मेरी आंखों से, आंखें नहीं हटा। जो बात करेगा आंखें इधर रख के और गुस्से से जवाब देगा। गुस्से से क्या बोला मैंने? गुस्से से आंखें इधर ही रख, बड़ी आंखें कर, गुस्से से देख, दुश्मन की तरह देख मेरे को। मैंने बोला तू भी हमारा बच्चा है। क्या बोला? बच्चा। हाँ अब मुझे बता तू हिना को कब से जानता है? छह साल पहले। कहाँ से मिली बेटा तेरे को? ये आंखें नहीं हटानी है। नाजमाबाद वाले घर से। नाजमाबाद वाले घर में ये शादी से पहले रहती थी? आंखें इधर नहीं। तू शादी से पहले से जानता है, शादी के बाद से जानता है? शादी के बाद। इधर बैठ, तेरे को सही होना है, बैठ इधर अभी, तेरे को इधर ही बैठे बैठे सही अल्लाह के हुक्म से। शादी के बाद? शादी के बाद से कितने साल बाद? शादी के बाद इसकी बच्ची होने वाली थी। जब ऊंचा बोल, जब शादी के बाद इसकी बच्ची होने वाली थी, बच्ची होने वाली थी हिना की, फिर क्या हुआ था? ये वहां पे गई थी ना, वो फ्लैट पे। ऊंचा वो फ्लैट गंदी जगह, ताकत से बोल, वो गंदी जगह पे बना हुआ था फ्लैट, कचरे पे फ्लैट नाजाबाद में। और ये वहां से आया तू मैं? अच्छा फिर क्या हुआ? जब से आया हूँ मैं। अच्छा तू आया है तो ये तेरे को अच्छी लगती थी बुरी लगती थी? अच्छी। कौन सा मजहब बुराई की तालीम देता है ये बता दे, मुझे पता है तू मुसलमान भी नहीं है। क्या बोला मैंने? कौन सा मजहब? मैंने बोला कि मुझे पता है तू मुसलमान नहीं है। क्या बोला मैंने? मैं मुसलमान नहीं हूँ। हाँ तू मुसलमान नहीं है, अब बता कौन सा मजहब बुराई की तालीम देता है? हिंदू का। बुराई की तालीम देता है? तुझे पता है मेरे बाप दादा आबा और अजदाद मेरे हिंदू थे, मुझ गुनाहगार के बाप दादा हिंदू थे। तो किसने कहा कि हिंदू मजहब बुराई की तालीम देता है? हमारे आबा अजदाद को सरकार गौसे पाक रे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुसलमान किया। तो तू कैसा बकवास कर रहा है कि हिंदू बुराई की तालीम देता है? आंखें नहीं हटाना, मारूंगा थप्पड़ जोर का, जल्दी बोल। तेरे को अच्छी लगी ये मुसलमान हो तू? मैंने जो सवाल किया उसका जवाब चाहिए, आंखें नहीं हटाना। मैंने बोला ये मुसलमान तू, तेरा मजहब, तेरा मजहब इस्लाम, तेरा। तू मुझे मेरे सर पे पागल लिखा हुआ है तो सर क्यों हिला रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? कचरा कुंडी पे मुसलमान बैठते हैं? नहीं। फिर सच बता कौन बैठता था कचरा कुंडी पे? गंदा सरात। तू गंदा? अच्छा गंदा। हिंदू मुसलमान? हिंदू। चिता जल गई तेरी या तू जिन्नातों में? नहीं। जोर से बोल दे। नहीं अब। जोर से बोल। नहीं अब। तू चिता जल चुकी है तेरी या नहीं? तू हिंदू है मतलब? जल गई। जल गई। अब आप बताओ कि मैं एक हिंदू से बात कर रहा हूँ जो मर चुका है, क्या बोला था तेरे को मैंने? इसके कान में मैंने बोला था मुर्दा है ये। अच्छा तूने जब पकड़ लिया सब कुछ सही है, इसके बाद तूने इस गरीब को तकलीफ है क्या कह दी है? आंखें नहीं हटाना, मारूंगा थप्पड़ और जोर से बोलेगा चीख के।
बहुत दिए हैं। गिनवा वरना मरेगा। बस इसको मैंने गिनवा दो दिन थी बस, एक अभी एलर्जी की दी थी और एक इसको रोजी की दी थी। किसको? इसको नवेद को। बात हो रही है इस मेरी बेटी की, हिना आंखें सर नहीं हिलाएगा, आंखों में आंखें रख, नहीं हिला सर, आंखों में आंखें रख। अब बता इसको क्या तकलीफ है, सच बोल वरना मर। दो दिए बस। झूठ बोलता है? नहीं नहीं दो दिए। झूठ बोलता बोला ना मैंने, सिर्फ दो दिए मैंने इसको। झूठ बोल रहा है ना? नहीं बोला, अब सच्चा मैंने नहीं बोला। अच्छा सुन मेरी बात, बच्चे कितने मारे हैं इसके? नहीं एक भी नहीं मारा मैंने इसका बच्चा। बच्चे हैं कितने इसके? इसके तीन बच्चे हैं, अभी इसका बेटा भी हुआ, मैंने इसको नहीं मारा भी, सही हुआ इसका बेटा। तू इसके साथ कर क्या रहा है हमारी बहन के साथ, ये बता, हमारी बेटी हिना के साथ तू क्या कर रहा है? 6 साल से बता मैं ये काम कर रहा हूँ, तेरी बीवी है ये? नहीं। तूने नहीं बोला मेरे को शादी करनी है? अब नहीं करना। पहले बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। क्या बोला था? वापस बोला शादी करनी है इससे। और क्या बोला था? चूड़ियाँ पहनाओ, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, और क्या बनाओ, दुल्हन बनाओ। क्यों दुल्हन बनाओ? वजह, एक मुर्दे से एक मुसलमान की बेटी शादी करेगी? नहीं। तो तूने क्यों जबरदस्ती बदमाशी की है? अब नहीं करूँगा। और इसको जो तूने तकलीफें दी मेरे बाप ने दी है वो? नहीं अब नहीं करूँगा इसको भी। तो तकलीफें दी है मुँह से बोल, थप्पड़ मार दूंगा। दिए अब नहीं करूंगा। बता इसकी तकलीफ? अब नहीं। बच्चा इसकी तकलीफ? तो भाई मुंह पे काटा रे भाई, एलर्जी की, एलर्जी की दी थी बस। भाई इसको इसको पिन दे, एक पिन दे। अब नहीं दूंगा। किसको दी थी? इसके मियाँ को दी थी। अब नहीं दूंगा मकसद तेरे को अभी भी यहाँ रहना? नहीं नहीं मैं जाऊंगा। कहाँ जाएगा ये बता दे, ये छोड़ के जाऊंगा इसको। कहाँ? अपने घर। तेरा घर कहाँ है? बहुत दूर है। कहाँ बता ना मेरे? घर नहीं है मेरा। तो झूठ क्यों बोल रहे? अब मेरा घर नहीं है। तू हाथ हटा दे, हाथ हटा, हाथ हटा। घर नहीं है मेरा। शादी के बाद कहाँ रखता मेरी बेटी को? जहाँ मैं जाता वहाँ रखता। मैं नहीं करूँगा इससे शादी। अच्छा तुझे लगता है तू बचेगा मेरे हाथ से? नहीं मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि तुझे लगता है कि तू, इधर देख, इधर इधर देख, मैं इतना कमज़ोर हूँ कि तू यहाँ रहेगा दुनिया के अंदर किसी और बहन बेटी का बेड़ा कर करेगा? नहीं, नहीं। खुदा की कसम तेरे को मैं अपने, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुझे वो करना है जो मैं बोलूंगा। करूंगा। ऊंचा बोल। करूंगा। ऊंचा बोल। करूंगा। बोल आपके कहने पर, आपके कहने पर हिना की, हिना की, नवीद की, नवीद की, इसके घर वालों की, इसके घर वालों की, इसके बच्चों की, इसके बच्चों की सारी तकलीफें लेके जाऊंगा, सारी तकलीफें लेके जाऊंगा। और आपके कहने पर, आपके कहने पे ईसा नगरी कब्रस्तान जाऊंगा, ईसा नगरी कब्रस्तान जाऊंगा, याकूब शाह बाबा के मजार पे जाऊंगा, याकूब शाह के मजार पे जाऊंगा, आपका सलाम दूंगा। नाम बोल पीर सोहबत कलंदरी, पीर सोहबत कलंदरी। और बोल आपका कलंदरी प्याला भी पीऊंगा, आपका कलंदरी प्याला भी पीऊंगा। अम्मा जरा जल्दी भागो यार, तू जल्दी से लेकर आ, किसी भी लाल मिर्च ले आ, और शीशे का एक गिलास लिया, चम्मच लिया, पानी ले। तकलीफें क्या क्या दी? एलर्जी। एक मिनट का टाइम दूंगा, उसकी एलर्जी खत्म। एक एलर्जी दी थी और अभी खत्म होनी चाहिए कि उसकी एलर्जी मेरे सामने, और एक रोजी की दी थी। दोनों चीजें अभी खत्म होनी चाहिए मेरे सामने, क्योंकि तू अब जा रहा है ईसा नगरी कब्रस्तान, तुझे दफनाने नहीं भेज रहा हूँ, तुझे तेरी मसान घाट पे भेजूंगा, वादा है मेरा। अब इससे सलाम देने जाएगा तू याकूब शाह बाबा के मसान पे, ईसा नगरी कब्रस्तान में उनका मजार है, दफनाना नहीं है। बोल जल्दी, बोल जल्दी, बोल जल्दी, बोल कितनी देर की वीडियो बन गई। जाऊंगा मैं, तू बता ना। जाऊंगा मैं, तकरीबन 5 मिनट की होगी। कितनी जाने? अरे दिमाग खराब है क्या यार, 20 मिनट हो गए यार। 9 मिनट 22 सेकंड बस। तो क्या ये 15-20 आधे घंटे में खत्म कहानी? हाँ बोल बोल जल्दी बोल, इसकी तकलीफ जल्दी निकालिए, मेरे को खुद बोले कि मैं सेट। इसकी तकलीफ खुद निकल जाएंगी। वो कुत्ते तोड़ दूंगा मुंह। हल्का लिया है तूने मेरे को? क्या नहीं सिखा रहा है बाबागिरी? नहीं सिखा रहा है? नहीं। कितने टाइम लगा तेरे को बीमारी डालने में?
इसकी एलर्जी खुद हुई है। आंखें इधर, झूठ नहीं, आंखें, मैंने बोला आंखें इधर, इसकी एलर्जी खुद, आंखें इधर मैंने बोला ना, इसकी एलर्जी खुद हुई की तो उसको मैं रास्ता दूंगा। इसकी एलर्जी खुद हुई है। तूने क्या बोला, मैंने दो बीमारी दी, एक रोजी की एक रिज की। मैंने वो पूछा कि मेरी बेटी को क्या तकलीफ दी तूने, इसको मैंने एक तकलीफ भी नहीं दी। झूठा है तू, इसको क्या क्या बीमारियां होती है भाई? भुथरी हुई है कहाँ, कमर पे, और जवाब मैंने नहीं दी। हाँ ठीक है, और उसके बाद जो है ये बीपी इतना हाई रहता है, बुखार, वो भी मैंने नहीं दिया। कभी जिस्म में दर्द, रोजाना लड़ना झगड़ना, बदतमीजी करना, और क्या होता था, खाली मैं घर में घुसता हूँ और मेरी शक्ल देखते के साथ ही लड़ाई शुरू। क्या बोला, अब नहीं होगा, खत्म हो गया बस। अब इधर देख, इधर देख, अब कैसे होगा, जब तू होगा ही नहीं तो कैसे होगा बता। और तू अकेला है, कुत्ते के बच्चे तेरे साथ और भी है। मैंने पूछा तू अकेला है और भी है? अकेला, अकेला इतना गंद किया हुआ, बीमार किया हुआ 6 साल से मेरी बहन को, ये तकलीफें कम है? जवाब दे वरना तोड़ दूंगा सर, ज्यादा है। फिर बोलता मैंने कुछ नहीं किया। कलर नहीं पिया, तू पिएगा इसको पिलाएगा? मैं पीऊंगा। तू पिएगा, तू पिएगा, हाँ इसको पिलाया तो नहीं बता तो दे। नहीं मैं पीऊंगा। तू कैसे पिएगा तो बता, मैं भी तो समझू कैसे पिएगा तू, मुझे क्या पता कलंदरी प्याला क्या है। इसे इतना हिलाओ चक्के दे, तेरी बीवी पी सकती है या तू पी लेगा पूरा गिलास? 5 मिनट के अंदर सारी तकलीफें मेरी बेटी की खत्म। गुटली वुटली ये वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ऐसे चाहिए ही ना जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुई है। इधर बिठा ले, इधर इधर बिठा ले कुत्ते के बच्चे। 5 मिनट के अंदर सारी तकलीफें खत्म। चक्के दिखा भाई, पूरा गिलास पी लेगा, ऐसे चखेगा तो डाल ला वो चम्मच में, तो डाल, फट क्यों रही है तेरी? अरे पीना है यार, पूरा गिलास पी लेगा, तेरी माँ को चखा। अम्मा चखना जरा, मर नहीं जाओगी यार, चखो थोड़ा सा। सुबह शाम काम करती हो, खाना पकाती हो, तुमको नहीं पता कि मिर्ची जान से थोड़ी मार देगी तुम्हें? इधर सिर्फ कर भाई मोबाइल को, है चाचा इधर कर। अम्मा पूरा गिलास पी लोगी, तुम्हारी बहू पी लेगी। दो लोग काफी हैं, आप लोगों में से किसी ने ट्राई मारनी है। अंकल सब गुटके वाले हो, सबकी फट जाएगी। मैं तो मिर्च वैसे ही नहीं खाता। मैंने बोला ना सब गुटके वाले हो, सबकी फट जाएगी। आंखें इधर कर भाई, बस कर ले मेरे बाप, इधर देख ले, हिना को पिलाएगा तू? नहीं पिलाऊंगा ताकत से बात कर, नहीं पिलाऊंगा हीना को, ताकत से बात कर, हीना को नहीं पिलाऊंगा। और जाएगा कहाँ छोड़ के? ईसा नगरी, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान याकूब शाह बाबा के मजार, याकूब शाह बाबा के मजार पे। सलाम किसका देगा? आपका। मेरा नाम क्या है? पीर, पीर सोहबत, सोहबत कलंदरी। 3 मरतबा बोला अली हक, अली हक 3 बार, अली हक 3 बार, अली हक। बोल मैं आपके कहने पर, आपके कहने पर सखी लाल शाहबाज, सखी लाल शाहबाज कलंदर पाक, कलंदर पाक के नाम का प्याला पीऊंगा, नाम का प्याला पीऊंगा। बेटा तुम लोग चख लो, तुमको अंदाजा हो जाएगा, खाली चख लो बगैर कैमरे के। माँ ने चख लिया ना? तेरी माँ है? मेरी खाला है, खाला, मेरी गर्लफ्रेंड की खाला। वो चख के देख लिया, थोड़ा सा चखले एक अंदाजा, अंदाजा हो गया ना मिर्चों में क्या मतलब मिठास होगी क्या? तो ये इंसान नहीं है? नहीं, कोई चखने को तैयार नहीं है, तू पी जाएगा ऐसे मत। नहीं पी सकता ये, दोबारा बोल ले बात, पी लूंगा। अच्छा नहीं, नहीं। पी लूंगा, पी लूंगा, दोबारा बोल, पी लूंगा। कुत्ते ऐसे ऐसे हल्का लिया है तुमने? नहीं नहीं बाबा, तो थोड़ा इधर बैठ, इधर ऐसे मोबाइल को रखना कि सिर्फ इसके होंठ नजर आए। क्या बोला मैं?
उस कैमरा मैन को दे दो बेदार भाई वाले को, ये गिलास इसके होंठ, आंखें इधर आंखें इधर, बोल तीन बार अली हके, अली हके, तीन बार अली हके, अली हके, सिर्फ आंखें मेरी आंखों में। हिला हिला के भी कुत्ते एहसान नहीं कर रहे मेरे पे, पता है तेरे पे मैं तेरे पे एहसान कर रहा हूँ, हिला के भी, हिला के भी। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे आप लोग? सुभान अल्लाह। ये इतना चख नहीं सकती भाई, देख लेना ठीक है। अब बात सुन, जो हमने तुझे बताया वो सुन ले पहले। तीन बार दम, चौथी दफा मौला अली का नारा लगाऊंगा, ये बेहोश होगी तो पूरी ताकत से इस जिस्म से निकलेगा, हम लोग अली हक पढ़ेंगे तो इसकी जिस्म की 5 मिनट के अंदर तकलीफ है ये वो सब चीजें तू निकालेगा। सही भाई, टेंशन नहीं ले तो सही होगी। कुछ बोला मैंने? नीचे जाके उतरेगा ना, फकीरी मरहम खरीद लेना एक। क्या फकीरी मरहम? वो रात को सोते वक्त लेप करके और सो जाना, ठीक है? और बोल तो सही हो जाएगा, हम तेरे से जबान दे रहे हैं। रोजी छोड़े, रोजी से बंद करिए सब। इधर आ, इधर आ, तेरे को भी थप्पड़ खाने का बहुत शौक है, बोल। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह बेहतर है इसलिए। इसलिए तो मुँह काला कर लिया, अब ये कुत्ते का बच्चा है ही नहीं तो तेरी रोजी कौन तोड़ेगा। जब अल्लाह ताला तुझे खैर देना चाहता है तो मैं आ गया ना इधर, तो अब काम खत्म नहीं हो रहा, तू बीच के अंदर फिर उंगलियां कर रहा है। वह मेरी रोजी, मेरी ख्वारिश, मेरा ये, मेरा वो। अबे भाई, इसको गरीब को जो तकलीफ थी जिस्मानी तो वो खत्म ना करें करो, तो तू बात इसी पागलों वाली कर रहा है। तेरे रोजी खुलने नहीं जाए तो यहां से पकड़ना मुझे। क्या बोला? तेरी ये खारिश खत्म नहीं हो यहां से पकड़ना, तेरी बीवी की बीमारियां खत्म नहीं हो यहां से पकड़ना, जुर्माना डालना मेरे पे। इसके सर के नीचे तकिया रखना, ये सर नीचे जमीन पे लगेगा, थोड़ा नजदीक आ कुत्ते, बल्कि थोड़ा पीछे हटो आप, ऐसे तो इसका छोटा पड़ जाएगा। और पीछे जाओ, इसको थोड़ा सा तिरछा करो, बस बस सही है। ऐसे बैठा भाई, अबे ऐसे बैठना, और करीबा आंखें देरी रख, तीन बार दम, चौथी दफा मौला अली का नारा, धक्का देंगे बेहोश होगी ना, होगी ठीक है। इसके जिस्म के एक हिस्से से निकालेगा तो निकाल लो, सारी तकलीफें निकाल के लेके जाएगा, समझे के होगा, शोर की भी, इसके बच्चों की। सही समझ में आ रही है? सही। आपने एक चीज और नहीं देखी? आपने एक चीज और नहीं देखी? ये बोतल उठा, ये देखो, ये बात इधर करे, तवज्जो दे मेरे बाप। अम्मा जी ये बोतल है ना, इसको बोलो पकड़ भाई। कितनी देर में पकड़ लिया इसने? ऐसे मुर्दे जिन्नात मिनटों में बंदा पकड़ते हैं। अब जिन्नात तो तुम्हारे हर बाबा निकाल देगा, ये मुर्दा जो है ना, मुर्दा किसी के बाप की ताकत नहीं है इसको निकाल दे। उसको तो पता ही नहीं है मुर्दा है या जिन है, वो तो जिन्नातों की पढ़ाइयां देगा, तुम्हें ताबीज़ वाबीज़ दे देगा, जाओ मौज करो। अब समझ में आ रही है बात? और ये काम अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दे निकालने का मुझ गुनाहगार जैसा कलंदर कर सकता है। मैं इस पे भी एहसान कर रहा हूं कुत्ते के बच्चे पे, वरना ये पकड़ने के बाद फंस चुका है। अब ये इसकी बेटियों को पकड़ता, तेरे को जान से मार डालता, और पता नहीं क्या क्या रंग करता तुम्हारे घर में। ये समझ में आ रही है? पानी मांगा अभी तक इसने? आंखें बंद कर दो कुत्ते, अभी तेरे को बोला किसने जाने का? आंखें बंद कर, ढीला छोड़ी, आंखें बंद कर कुत्ते के बच्चे, छोड़ ढीला जी समझकर, चल जाए ये आली मदद, पांव सीधे कर, दुपट्टा क्या सही कर, बड़ी चादर डाल दो इस पे। चलो चाचा थोड़ा मोबाइल ऊपर कर दो एक मिनट के लिए, या इसकी तरफ कर दो, मेरी तरफ, इसकी तरफ कर दो, इसकी तरफ कर दो, ताकि पर्दा हो जाए।
हाँ कुछ भाई जरा कमेंट दे दो। उबेद भाई क्या देखा आपने अभी? माशाल्लाह भाई पीर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ने कराया। अल्लाह के पीर साहब के बाप की ताकत नहीं किसी को फायदा दे दे। सोबत साहब ने बहुत, हटो यहाँ से, वो मेरे को पाँव खाली खुलने छोड़ दे। हाँ जो बोलना है बोलो यार, वो मुट्ठी बंद करो कुत्ते। माशाल्लाह अभी जोर जमीन से, जमीन पे मार जोर जोर से, पूरी ताकत से, दोनों हाथ जमीन पे जोर जोर से। नका बेटा बड़ा मुंह खोल के रख, और पांव घुटने ऐसे देख, ऐसे ऐसे पूरी ताकत से, हाँ जोर जोर से लगा, पढ़ो जोर लो सारे मिलके लिए, पूरी ताकत से निकलो। दरवाजा खोल दो, खोल दो, खोल दो, अलीक पढ़ो, अलीक पढ़ो, बड़ा मुंह खोल के रख, ऐसे खड़ा कर दे मोबाइल, ऐसे कर लो उस्मान, इसके पीछे बोल बस, अलीक पढ़ते रहो, अलीक बड़ा मुंह खोल के रखो। पानी तो थोड़ा सा हम दम करें, इसको मुंह में डालें इसके, हम तो दम वाला पानी भी नहीं लाए। किसकी बोतल है? मेरी, ये मेरी, पी लो। पीना नहीं है, दम वाला पानी इनको देना है, दम कर। अबे अलीक पढ़ो, अलीक पे पांव पे चादर रख यार, अलीक चलो पूरे हाथ और पैर से झटका मार, निकल इसके जिस्म के एक एक हिस्से से, अलग अलग एक एक पांव अलग अलग। बड़ा मुंह खोल, थोड़ी ताकत आएगी तो निकालने में, बड़ा मुंह खोल, पीले पीले बीच में नहीं लाना इनको, खोल मुंह बड़ा, आंखें बंद कर, चल पीले, ढक्कन दे भाई, ढक्कन दे, और हाथ से जमीन पे जोर जोर से हाथ मार, पांव से झटका दे, इंसान का बच्चा बन, इसके जिस्म के एक एक हिस्से से निकल, वरना बहुत मारूंगा मैं तेरे को बता रहा हूं। बेपरदगी नहीं कर, पांव नीचे रख, पांव नीचे रख, कुत्ते के बच्चे पांव नीचे रख, पांव नीचे रख, ऐसे ऐसे पांव नीचे झटका दे, नीचे ऊपर भी उठा रहा है टांगे इसकी, नीचे कर दोनों पांव एक एक करके, एक एक करके, वरना खड़ा हो जाऊंगा पांव पे, और पूरी ताकत से निकल, पांव एक एक झटका मारना अलग अलग पांव पे बगैरत, जाने नहीं जाना ये तो बता, छोड़ इसको पावे से रख, अच्छा बता क्या करना है, हाँ चल पेट ऊपर कर, सीना ऊपर कर इसका, कर ऊपर, कोई इधर दिखा चाचा पाँव दिखा मेरे, अबे उधर बैठ जा, खड़ा हो जा, उधर जा, उधर बैठ जा मेरे बाप, बैठ जा, कौन बर्दाश्त करेगा ये कौन बर्दाश्त करेगा, दिखा मेरा पाँव, मेरे को भी दिखा, ये कौन बर्दाश्त करेगा, तेरा भाभी भी बर्दाश्त करेगी, चलो पेट ऊपर कर, सीना ऊपर कर, चल इसके जिस्म के हिस्से से निकल, पढ़ो तुम लोग अलीक, हाँ लगा चार, लगाओ लगा और दो लगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सारे जिस्म के एक एक हिस्से से नहीं निकलेगा तेरे को मैं छोड़ूंगा भी नहीं, हाँ और ताकत से, और ताकत से, और ताकत से, पूरे जिस्म की ताकत लगा दे, आड़ा रखना बाबा, आड़ा रखना ऐसे आड़ा, हाँ सब आएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी देर से खड़ा हूँ भाई, तू बर्दाश्त करके दिखा मैं खड़ा होता हूँ, अब समझ में आ गई क्या चीज है, आधे घंटे में किसी का बाप करके देगा ये, हाँ चलना हो चलना कुत्ते, जल्दी कर, जाना नहीं जाना है बता, मैंने पूछा जाना नहीं जाना है, हाँ जोर लगा और जोर लगा, सुभान अल्लाह सुभान, और ताकत से, और ताकत से, सुभान अल्लाह सुभान, कितनी देर होगा भाई, यहाँ मैं खड़ा हूँ पत्थर उसके हड्डी पे, दो मिनट होगा, अम्मा कौन बर्दाश्त करेगा, अल्लाह का शुक्र अदा करो, कसम से 1 करोड़ रुपए में काम नहीं होता आपका, चल भाई जाना है या अभी हमारे वाले को बुलाएं, हम जल्दी बता, जाना है या हमारे वाले को बुलाएं, निकाल दे, तुझे नहीं निकल पा रहे तो जल्दी बोल, एक सवाल जो मैंने किया मेरे सवाल का जवाब दे, थोड़ा पीछे पानी दे मेरे को यादव वाला, मैं तेरे को बोला कि तू जा रहा है शराफत से या मैं निकाल दूं, जितने भी घर के अंदर पलीदे वलीदे किसी का पानी दिया हुआ सब क्यारी में डलवा देना, मैं भी डलवा, जितना भी घर के अंदर है गंद बला जो भी है तावीज किसी की पढ़ाई किसी के पलीदे जो कुछ भी है आउट, हाँ भाई क्या करना है, इस तरफ देखो कुत्ते, बड़ा मुंह खोल इधर देख मेरे को, तू नहीं आंखें बंद कर दे, आंखें बंद, तू अगर नहीं निकल पा रहा तो हम अपने वाले लिए आए, बड़ा मुंह खोल, क्या बड़ा मुंह खोल, पीले
बड़ा मुकुल, तू नहीं निकल पा रहा है तो मैं अपने बुलवा लूं, हाँ या ना? बड़ा ओए मारूंगा मैं। हजरत से मोबाइल से आओ आप लोग, शेरा शाहीन जितने भी मददगार हो आस्थान वाले सब आओ, उसको लेके जाओ। अगर ये नहीं निकलता शराफत से तो शेरा को बुलाते, शेरा खाओ उसको आके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसने तो बोला था निकल गया, इसे क्या बोला था? जल्दी जल्दी ताकत से ताकत से ताकत से, और या अली मदद के नारे लगा पांच दफा। अली अकबर बोलो, चलो जोर जोर से बोलिए या अली मदद पांच दफा, जोर जोर से ताकत से, ऐसे जो ताकत अभी लगाई ये वाली, इसी तरह हाथ ऊपर करके और ताकत लगा के जोर से या अली मदद। ना ना ना, अभी जो किया था ना, सीना ऊपर पेट ऊपर ऐसे, गुटली भी निकाल इसकी तरफ, घूमना है घूम ले गोल, हाँ उल्टा हो जा, उल्टा होना है तो हो जा उल्टा, हाँ हो जा और अच्छी तरह उल्टा हो जा, और हो जा उल्टा, कोई बेपरदगी नहीं हो रही हमारी बेटी की, और उल्टा हो जा, हाँ हो जा उल्टा, चल घूम ले जितना घूमना है, शाबाश, जिस्म के एक एक हिस्से से निकल, हाँ और हो जा, और हो जा, और अच्छी तरह निकल, और पीछे घूम, और जा, और उस तरफ हो जा, टांगे दिखा भाई, टांगे दिखा कैसी हो रही, और ताकत से, और ताकत से, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, पढ़ो यार क्या बीमारी है, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। अबे नहीं निकल पा रहे तो अपने वाले बुला ले, एक मर्तबा बोल दे हाँ भाई अपने वाले बुला लो, मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, बात खत्म हो गई, जल्दी बोल, बुला लो अपने वाले। हाँ तो तू क्या चाहता कि अभी भी इसके अंदर रहेगा तू? हाँ चलो भाई अपने वाला बुलाता हूँ, ये कुत्ते मारूंगा बहुत, हैं कर 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 कर, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से, जिसम के एक एक हिस्से से निकल, एक जलवा आपको दिखाते हैं शेरा का, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं होगी इसकी, ठीक है? जलवा शेरा का देखो, शेरा खाता कैसे, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, नहीं मैं करूंगा, शेरा तुमको बता रहा हूँ खाएगा कैसे, ये देखो जलवा देखो आप बाबा, ये बंद, साबुन से दो खुश करके लो, दे दे आप खुद कर ले, अरे मोबाइल तो दे दे मेरे बाप, बनानी पड़ेगी अभी, बताऊंगा जब बनाना, अभी नहीं, आधे घंटे में वही कहानी खत्म, एक घंटा जब लगता है वो मेरे को बुलाना पड़ता है ना, आधी आधी करानी पड़ती है, तो तैयार बैठा हुआ था खुद ही, अरे हमारे आते ही जो है ना, आपके आते ही साथी तो वो मेरे, मैं अकेला थोड़ी आया तुम्हारे घर में, आया तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला हूँ? अल्लाह माफ कर दे, झूठों पे अल्लाह की लानत, मेरे साथ फौज आई हुई है इधर मददगार, 24 घंटे मेरे साथ, 24 घंटे मेरे साथ, माशाल्लाह हाजिर होते हैं मदद के लिए, हाजिर, ये काम मजाक नहीं है, निमट गया अच्छा, दोबारा आया तो कटवा दूंगा गर्दन, और बोल, मैं कमजोर नहीं हूँ भाई, मैंने क्या बोला था दुकान पे लाइफ टाइम गारंटी, अब कोई आया ना इसके अंदर तो दूसरा आएगा, ये नहीं आ सकता, तो ऐसा ना दूसरा भी नहीं आया, अब आए नहीं कोई भी, अरे मैं माँ की मिसाल दे रहा हूँ, माँ समझती नहीं है बात को यार, परेशान हो गया ना, अरे मेरी माँ बस कर लेना, अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह का शुक्र, परेशान हो गए थे, अब नहीं, अभी जान छूट गई है, ये तो खुद परेशान होगी, मैं लेटी क्यों हूँ, मेरे से तो कोई बात ही नहीं की, मेरे को कब मारा है, मैंने कब लाल मिर्ची पी है, इसके इसकी अल्फाज होंगे, अभी नहीं समझ आ रही, एक पानी वो मैंने दम किया था, ये तो ये देखिए, और करूँ खुशक क्या, और खुशक करना सही, कमांडिंग लीव लगाएंगे और हो जाएगी, तुम्हारे घर में काला धागा है सब, कोई पता नहीं, पूछते हैं, हाँ ऐसे तो है, हाँ तो लिया छोड़ो, इसको नया बोला है, हो गई नहीं तो इसको इस्तेमाल कर लो, राम।